ਆਂਡਾ ਛਿੱਲਿਆ ਛਲਾਇਆ ਲੂਣ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਬਾਹਰ ਆਂਡੇ ਲਹਾਇਆ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਗਾਇਸ ਜੀ ਇਹ ਅੰਡੋ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ, एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूं। और सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कुछ दोस्त लोग और उसामा भी अलाइन से आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मेकअप वगैरह, मेकअप तो खैर नहीं, थोड़ी फिनिशिंग वगैरह की है। सो अभी तैयार होते हैं एंड लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको सब बताएंगे। सो मेरे साथ रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सी चीज़ें एंजॉय करने वाले हैं। सो मिलते हैं आगे, लेट्स गो गाइस। ये देखें बंदा इसको मैंने बोला था 5:30 का इधर खड़ा होना है, और 5:30 बजे की जगह ये 4:30 बजे आ गए, और इसने मुझे बताया नहीं है। उस टाइम से ये 4:30 बजे से वेट कर रहा है कि 5:30 होने का, 5:30 होंगे तो ये मुझे बुलाएगा कि मैं आ गया हूँ। उससे पहले ये मुझे ना कॉल कर सकते ना मैसेज कर सकते, और आधे घंटे से, एक घंटे से खड़ा हुआ, खज्जल हो रहा है वहाँ पे। अरे उधर वैसे ही खड़ा था, वैसे ही खड़ा था, ठीक है गाइस। तो मैंने पुंडी सारी इसे हंसते इंतजार ही बैठी सी, मेरा ख्याल है कि हमजा आवेगा तो ऐसी करवाएंगे। A few moments later गाइस ये सब लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हो अभी क्या टाइम हो रहा है। ये वकार साहब और ये बाकी भाई साहब सारे अभी पहुंच गए हैं, 2 घंटे वेट करवाने के बाद पहुंचे हैं सारे। ये मिस्टर तनोली साहब भी हैं, मिस्टर तनोली साहब को देख सकते हैं आप। सो अभी जा रहे हैं कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन बनता है, क्या प्लान होता है। तनोली साहब की हालत देख लें बच्चे, बाल तेरे फारग हो गए पिछू। ये देखो इन लोगों के काम, इन्हें मैंने बोला कि उधर जाओ शरीफ डीजे में अंदर, वहाँ पर चेक करो, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए तस्वीरें बना रहे हैं। ये तो हाल है इन लोगों का। और मैं तुझे क्या कहा था, उनको उधर अंदर लेके जाता हूँ, अपनी तस्वीरें बनाने लग गए। ये देख लो गाइस इनका काम शुरू हो गया, सारे वो पीछे बाजू नजर आ रही है, समझ तो गए होंगे बाजू के पीछे क्या छुपा हुआ है, समझ तो गए होंगे लोग पीछे बाजू के पीछे क्या छुपा हुआ है। और एक भाई हमारे शरीफ थे, ये पीछे खड़े हो गए, ये भी शुरू हो गए, शराफत तो टपक रही है। एक शरीफ है जो हम ही है, जो कुछ भी हाथ में नहीं है ना, सिगरेट है ना कुछ और है। देखो ये देखा, ये वो होते हैं कि वो जो वो देखो वो किधर रख दी है, वो नजर आया गाइस। ये बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे लोगों को, मुश्किल नहीं, सिगरेट नॉर्मल चीज है, पी सकते हैं, उठा लो उठा लो, मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं। तो नोली साहब देखा, सो गाइस अभी चलते हैं आगे, बस ये इन लोगों का इंतजार हो रहा है, सिगरेट पीने के बाद आगे चलेंगे। और ये देखो चेस्ट करके पी रहे हैं सिगरेट को भी, आगे चलते हैं खाना वाना खाते हैं, उसके बाद कहीं पे चलेंगे सुट्टा मारने। ताजी ये देख लो, ये बंदा हमारे पास है, ये कह रहा था तो अभी वेटर गॉटर से बोलता है मटन में बीफ नहीं डालना। ये बंदा कहता है मटन में बीफ नहीं डालना। तो अभी देखो और नहीं, मटन इज बीफ, वो बोटियां जड़ी पांदे ना थोड़ी नरम होंदी ने, कहंदे मटन इज बीफ मांग करन। तनोली साहब को लो पूछो की कहंदे, और ये जो भी है खाना चुप कर खा लो बस, इस तरह का बंदा होना चाहिए। चलो हमजा भाई जी बंदे मान ली थी, उसने कहा ठीक है मैं बीफ नहीं पावांगा, मैं खाली मटन लेके आवांगा। सही है, पता उन्हें भी कोई नहीं कि बंदा नवा आया। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। सही गल है, वेटर मारन लगा सी, बड़ी मुश्किल नाल कंट्रोल कीता है साहब। ये वाला खाना आ गया भाई साहब, ये देख सकते हैं अभी गरम गरम खाना है देरा रेस्टोरेंट में। तो हमजा भाई बीफ है मटन है भाई, अभी टेस्ट करें तो अच्छा। ये हमजा फंस गया थोड़ा सा, यहाँ पे हमजा ने एक पार्टी दी थी हमें, तो अभी इसका पोल खुल गया है। हमजा का पोल खुल गया एक पार्टी का, हूँ तो हमजा की एक पार्टी होती असल चक्कर के, जरा बंदा नवा आना ना साढ़े ग्रुप में, वो पार्टी देना पहली तनखा से, तो वो हमजे भी पार्टी दी सी सारे। पैसा पता सी नहीं, मैं पता सी इन्हू भी पता सी।
कुल्फी कुल्फी कोई वाली चाय कड़क चाय कुल्फी के मजे लेते हुए गरम आंडे एक बार फिर गरम आंडे नहीं सही तरह ना जरा प्रोफेशनल तरीके ना जरा ना आंडा छिले या छलाया लूण लगे लगाया बार आंडे लहाया गरम आंडे गाइस ये अंडों का बिजनेस करता रहा पाकिस्तान में अब ये कुल्फी का बिजनेस हम देखेंगे कुल्फी कुल्फी ओ सीन कर दिया मेरे से खाओ जी बिगड़ रही है गाइस अभी कुल्फी चल रही है हमारी मलाई वाली चाय जिसने खानी है तनोली से रब्ता करे चाय ये हमजा भाई की मेहरबानी है जो हमजा भाई ने हमें कुल्फी खिला दी है तनोली साहब देखे अंदर हले दूजे बंदे आंदा असि इंतजार कर रहे हैं दूजी कार जो है साडे पीछे आ रही है ते वेखो है तनोली साहब दे भरा भी कुछ आवाजा काट दे दसो यार ओए नहीं चलनी ओए तेरी हां जी कुछ बोला था आपने नहीं सर हम कुछ नहीं बोला यार आप अपनी गाड़ी की फसल बोल दे ए थोड़ी बत्ती सही नहीं चलनी है ए बत्ती दा इलाज करा ठीक है और कुछ और बस ठीक ठाक बोलो यार ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी हम एक शीशा कैफे में आए हैं यहाँ पे तनोली साहब का मुंह देख सकते हैं जगह हमें बिल्कुल इंटरेस में मिली है और ये इंटरेस का डोर है और यहाँ से ऊपर से पानी भी गिर रहा है थोड़ा सा तो अभी इनका मूड ख़राब हुआ है कि चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ये हमारे वकार भाई के ऊपर पानी गिरा था थोड़ा सा और ये तनोली साहब की शक्ल देख सकते हैं दूसरे कैफे में बोल रहे हैं जाना है जो बिल्कुल खाली था खाली वाला माहौल चाहिए इन्हें तो अभी चलते हैं ज़रा वहाँ पर और आप देख सकते हैं कि कितना फुल है A few moments later. खजर खवारी के बाद एक कैफे में बैठने के बाद अभी हम दूसरे कैफे में जा रहे हैं जगह नहीं मिली वहाँ पे पसंद नहीं आई वो लोकेशन ही पसंद आई बहुत क्राउडेड बहुत कंजस्टेड था इस वजह से अभी वकार भाई की स्पेशल फरमाइश पे पानी से बचाने के लिए हम जा रहे हैं अभी दूसरे कैफे में तो अभी देखते हैं पानी से इनको बचाया बड़ी मुश्किल से डूबने वाले थे और ये तनोली साहब का भी गुस्सा मैंने आपको दिखाया था कि तनोली साहब का गुस्सा तो अभी देख लें इसकी स्माइल वापस आ गई है हमजा साहब तो किसी खाते में जिन्ना 3 महीना 13 में बस जिधर आया जान दो तो आती साहब तो अपने साथ ही हैं वो तो जहाँ हम वहाँ वो बाकी ये क्यानी साहब आगे भाग रहे हैं हाँ बड़ी मुश्किल से हम इनको ले के आए हैं 5 बंदों की वजह से इनको उठ के आना पड़ा तो अभी दूसरे कैफे में जा रहे हैं देखते हैं वहाँ के फाइनली हम लोग पहुंच गए स्टूडियो लॉन्च में ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे यार अभी हमारा कवर हो गया और ठीक है भाई अल्लाह हाफिज ठीक है तुम्हारी भाई ओके अल्लाह हाफिज ठीक है अभी ये लोग गाइस जा रहे हैं अलाइन
तो ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओ भाई निकल उधर, चलो तन नहीं लेके जाना, निकल उधर। Talking like Miley. Start talking like Miley.